संवस पार्लमेंट सभ्युरा इला पेपर तीच पार्लमेंट माटा मोतम दीचा मोतम दीस्ते दसार महिला बिल लेने दाला अब महिला बिल गुर्तरा महिला बिल गुर्तरा तो जब एक महिला स्पीकर पद पे बैठती है जब एक महिला डिसीजन लेने के पोजीशन पे बैठती है तो ऐसे अच्छे निर्णय महिलाओं के पक्ष में होते हैं। तो आज हम जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पे हैं, हम सबको तय करना है कि हमारे महिलाओं को उच्च स्तर पे कैसे पहुँचाना है ताकि पूरे देश भर के हमारे महिलाओं को फायदा हो सकता है। मैम, ऐसा हुआ था कि हमारे देश में आज से नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1930 जब ये सॉल्ट सत्याग्रह की बात थी, गांधी जी ने एक 70 मेंबर का टीम बनाया था एंड इन हिज इनिशियल टीम ही डिड नॉट इवन इंक्लूड वन वुमेन मेंबर। तो बहुत सारे महिलाओं जो ऑलरेडी स्वतंत्रता संग्राम में थे उन्होंने रेसिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आप क्यों नहीं हमें आपके साथ ले जाते हो। सरोजिनी नायडू जी ने आवाज उठाई थी और उन्होंने उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चला और पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम में मैम थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली वुमेन पार्टिसिपेट इन ऑल द मूवमेंट्स बट पॉलिटिकल मूवमेंट में उनको पीछे ही धकला जाता है। तो पहले हमारे जो संसद गठित हुआ था मैम, फर्स्ट इलेक्शन ओनली 5% वेयर वुमेन मेंबर्स, नॉट इवन 33 मेंबर्स वेयर देयर। चलो बढ़ते बढ़ते अब तो हम एटलीस्ट 12% पे पहुंच ही गए हैं, लेकिन पहले इट वॉज ओनली 33% मैडम। तो मैं इसीलिए आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे जब वुमेन मेंबर पावरफुल पोजीशन पे होती है, जब मैडम सोनिया जैसे लोग पावरफुल पोजीशन पे होती है तो हम लोगों को हेल्प कर सकती है। शी हैड हेल्प्ड अस इन द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना मैडम, क्योंकि वो वुमेन है, हमें लगता है कि उन्होंने दर्द हमारी समझी है और हमें उन्होंने हेल्प किया है। तो मैडम मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ, और एक बात, अदर देन पॉलिटिकल एंगल, अदर देन रिजर्वेशन, महिलाएं आज बहुत सारी मुश्किल में है। मेनली मुझे लगता है अगर पॉवर्टी के ऊपर, इलिटरेसी के ऊपर हम जो चुन के आए हैं हम लोग फोकस कर सकते हैं तो हमारे देश की महिलाएं ऊपर उठ सकती है। और साथ में मुझे इतना ही कहना है मैम कि हमने तो अपने बेटों को पढ़ा लिया, आज बेटों का मेल लिटरेसी रेट इज अराउंड 84%। तो मुझे लगता है कि देश की हालत में कुछ बदलाव नहीं आई है, तो बेटों का पढ़ाई को थोड़ा हम पीछे हटाते हैं।